हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोभित भारद्वाज है और आज हम लोग पासे का यानी कि डाइस का नया नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे टाइप 5 को। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन को लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें तीन डाइसेस हैं, थ्री डाइसेस आर देयर, जिसमें कि थर्ड डाइस में आप देखेंगे एक लेयर पर क्वेश्चन मार्क है, जो कि हमें बताना होता है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं उन दो डाइसेस को जो कि कंप्लीटली फिल्ड दिखाई दे रही हैं। और इन दो डाइसेस में हम देखते हैं कि डी कॉमन है। जैसा कि हम लोग पिछले एक टाइप में डिस्कस कर चुके थे, जब दो डाइसेस में एक लेटर या नंबर कॉमन हो, वो भी अलग अलग लेयर पर, तो वहां से हम क्लॉकवाइज मूव कर जाते हैं। तो यहां से जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो सबसे पहले डी लिखेंगे, डी के बाद ए लिखेंगे और उसके बाद सी लिखेंगे। एग्जैक्टली यहां से भी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो सबसे पहले डी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा सी के अपोजिट ई, ए के अपोजिट एफ और डी के अपोजिट होगा जो अल्फाबेट अभी तक आया नहीं है, दैट इज बी। अपोजिट निकालने के बाद एक बार हम लोग इन ऑप्शन को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ए और बी एक साथ हैं, इसके जस्ट बराबर वाली लेयर पर क्वेश्चन मार्क है, वहां क्या आएगा ये पता करना है। तो ए के जस्ट बराबर वाली लेयर पर ए का अपोजिट कभी एफ नहीं आ सकता, इवन ए दोबारा से खुद नहीं आ सकता। तो आप देखेंगे कि ए के जस्ट बराबर में कभी दोबारा से ए आ सकता है क्या? नहीं। इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं बन सकता, दोबारा से ए नहीं लिख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह पर। एग्जैक्टली हम देखते हैं कि बी के बराबर में दोबारा से कभी बी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसलिए डी ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं बनता है। अब रह जाते हैं दो ऑप्शन, सी और डी। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि सी और डी के लिए यहां पर डी के अपोजिट क्या है? बी है। तो D के अपोजिट B है और B के अपोजिट D है, तो B का अपोजिट D का भी B के बराबर में आ सकता है क्या? नहीं। तो D भी मेरा ऑप्शन आंसर नहीं बन सकता। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? A बनेगा, दैट इज C, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? C आएगा। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, आप देखेंगे कि इसमें मैंने इस बार कुछ नंबर्स लिखे हैं, लेकिन फॉर्मेट सेम है। जो दो डाइस कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें से जो कॉमन नंबर है उससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। सबसे पहले 6 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद 3। एग्जैक्टली ऐसा ही यहां पर करेंगे, तो सबसे पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा और उसके बाद आएगा 1। तो हमें पता चल जाता है कि 3 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 5 है और 6 के अपोजिट वो नंबर होगा जो अभी आया नहीं है, दैट इज 4। अब 2 और 3 के जस्ट बराबर वाली लेयर पर क्या आएगा ये बताना है। तो 2 के जस्ट बराबर में 2 का अपोजिट 5 कभी नहीं आ सकता, तो 5 वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से 3 के बराबर में 3 के अपोजिट 1 कभी नहीं आ सकता, इसलिए इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, 4 एंड 6 बचते हैं। अब देखिए यहां पर या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब हम जरा गौर से देखेंगे तो इस वाली डाइस में 3 और 2 लिखा है, एग्जैक्टली इस डाइस में भी 3 और 2 लिखा है, बट 3 और 2 का जो सीक्वेंस है यहां पर हम देखते हैं तो 2 से 3 ऊपर है, 2 से देखा जाए तो 3 ऊपर है, लेकिन यहां पर देखा जाए 2 से 3 तो नीचे है, यानी कि डिफरेंट पोजिशन में है। यदि इस डाइस को थोड़ी देर हम होल्ड पर रखें, इसकी जगह ये वाली डाइस ना होती बल्कि ये डाइस होती जिसमें यहाँ 3 लिखा होता, यहाँ 2 लिखा होता, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा होता, तब मैं आपसे पूछता कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो आप कह सकते थे कि सर ये डाइस 3 एंड 2 लिखा है, इस पे भी 3 एंड 2 लिखा है, दैट मीन्स ये दोनों डाइसेस सेम है, तो यहाँ 3-2 वहां भी 3-2, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था, बट क्योंकि यहां पर 3-2 और यहां पर 3-2 का सीक्वेंस चेंज है, इसलिए यहां पर 6 नहीं आएगा, बल्कि 6 का जो अपोजिट नंबर होगा दैट इज 4, वो हमारा आंसर बनेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या बनता है? 4 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए आपके सामने फिर मैंने एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रखा है। यहां पर मैंने 4 डाइसेस को बनाया है, 4 डाइसेस हैं। अभी तक हमने डाइसेस देखी,
तीन डाइस दी थी, दो डाइस दी थी, तीसरी डाइस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था सिंगल लेयर पर। यहां पर हम देखेंगे तीन डाइसेस दी हैं ऑलरेडी, उसके बाद फोर्थ डाइस में हमारे दो लेयर पर क्वेश्चन मार्क लगा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटर्स भी कई बार अलग अलग यूज हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 लेटर्स तक यहाँ पर यूज हो चुके हैं। जबकि डाइस में कितनी सतह होती है, लेयर होती है, 6 होती है। इसका मतलब इसमें कुछ डिफरेंट पैटर्न है, समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं ये जो फ्रंट वाली लेयर पर टी लिखा है, टी से वी जाने में प्लस 2 किया गया है, एग्जैक्टली वी से एक्स जाने में भी प्लस 2 ही किया गया है। सेकेंड डाइस में देखेंगे तो एम से पी जाने में इस बार प्लस 2 नहीं प्लस 3 किया गया है, और पी से एस तक जाने में भी प्लस 3 किया गया है, बट स्टार्टिंग हमेशा फ्रंट वाली लेयर से हो रही है। जैसे अब यहां ए से ई जाने में प्लस 3 नहीं बल्कि प्लस 4 है, एग्जैक्टली ई से आई तक जाने में फिर से प्लस 4 है। तो हम सीक्वेंस को समझ चुके हैं, स्टार्टिंग यहां से होगी, प्लस टू था, प्लस थ्री था, प्लस फोर था, स्टार्टिंग यहां से होगी और कितना प्लस होगा, 5 होगा। यहां पर E होना चाहिए क्योंकि E में जब हम 5 ऐड करेंगे तो J हो जाएगा, और J में फिर 5 ऐड करेंगे तो O हो जाएगा। यानी कि इन दोनों क्वेश्चन मार्क्स वाली लेयर पर जो लेटर्स आएंगे वो होंगे E और O, जो कि मेरे किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, A ऑप्शन में, जो कि मेरा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, डाइस का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार यहां पर आपको डाइस नहीं दिखाई देगी, कोई डाइस नहीं बनाई हुई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है, इफ इन अ डाइस 1, 5, 6 आर टुगेदर एंड 4, 5, 3 आर टुगेदर, देन व्हाट नंबर विल बी अपोजिट टू 1। मतलब किसी पासे में यदि 1, 5, 6, 7, 7, 7-7 का मतलब क्या हो सकता है, मतलब ये है कि यदि ये डाइस है तो इसकी नियरेस्ट लेयर पर ही मुझे 1, 5, 6 को लिख देना है, जिससे कि ये 1, 5, 6 हमेशा कैसे रहे, 7-7 रहे। दूसरा मतलब इसका ये भी निकलता है कि 1, 5, 6 में से कोई भी नंबर एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट कभी 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट ये नंबर नहीं हो सकते। तो हमसे कहा गया 1, 5, 6 को 7-7 रखना है, एग्जैक्टली ऐसे ही 4, 5 और 3 को भी 7-7 रखना है, यानी कि नियरेस्ट लेयर पे रखना है। ये तीनों नंबर कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, ये तीनों नंबर कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है व्हाट नंबर विल बी अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले यदि मैं ये देखता हूं कि दोनों सेट में 5 तो है ही, और 5 के अपोजिट कभी 1 और 6 हो सकते हैं क्या, नहीं, 5 के अपोजिट कभी 1 और 6 नहीं हो सकते, क्योंकि मुझसे बोला गया है 1, 5, 6 को 7-7 रखना है, 1, 5, 6 7-7 रहेंगे तो 5 के अपोजिट कभी 1 और 6 नहीं बन सकता है। एग्जैक्टली मैं यहां पर देखता हूं तो 5 के अपोजिट कभी 4 और 3 हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो भी 7-7 है। जब 5 के अपोजिट 1, 6, 4, 3 नहीं हो सकते तो फिर 5 के अपोजिट क्या होगा, जो नंबर बचता है दैट इज 2, 5 के अपोजिट 2 होगा और 2 के अपोजिट 5 होगा। इसी बेसिस पर अब मैं अपने आंसर को देने की कोशिश करता हूं, मुझसे पूछा है व्हाट नंबर विल बी अपोजिट टू 1। देखिए 1 के अपोजिट कभी भी 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 1, 5, 6 को 7-7 रहना है, इसलिए मैं सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता हूं। इवन 1 के अपोजिट कभी 5 और 2 भी नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि 5 और 2 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये 1 के अपोजिट कैसे बन सकते हैं। तो जब 2 नहीं हो सकता 1 के अपोजिट और 5 नहीं हो सकता, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 4, जो कि मेरे 1 के अपोजिट होगा और मेरा आंसर बनेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने डाइस के वो सारे क्वेश्चंस को रखा है जो प्रीवियस इयर्स के पेपर में पूछे गए हैं। आई होप आपको डाइस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी रही होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगले कुछ चैप्टर्स के लिए मैं वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही तैयार होते हैं आपके सामने लेकर आते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।